Hello friends, good afternoon and welcome to India's largest learning platform Unacademy. So, आप सभी को काफ़ी ब्रेक मिल गया, कभी कभी ब्रेक भी ज़रूरी है बीच में ताकि आप अब कॉन्टिन्यूसली जो स्टडी है वह कर सकें, है ना। तो काफ़ी सारा पोर्शन जो एनसीईआरटी में बचे वह हम कवर कर चुके हैं अब तक, और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 42 में आपका जो पॉलिटी चल रहा है उसी का चैप्टर नंबर 3। 1 और 2 जो है वह लास्ट में हमने देखा, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 3 से चुनावी राजनीति यानी लोकतंत्र के इस महापर्व पर, लोकतंत्र का महापर्व ही तो है, तो हम इस चुनाव पर और चुनावी राजनीति पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों के लिए गुड आफ्टरनून। हाँ, आज क्लास का जो टाइम है वह चेंज है, कल से आपका 11 बजे ही होगा। साजिया, दिव्या, सुबोध, रानी, आनंद, निधि, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो ताकि आपकी बाकी भी जो फ्रेंड्स हैं वह क्लास में आ जाए, देन हम क्लास को शुरू करते हैं। सुषमा, असीम, सोनम, काजल, निधि, आनंद, अरुणा, महेश, डिंपल, इंद्रजीत, अजेश, रानी, सभी बच्चों के लिए सुषमा, सोनम, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। जितेंद्र, सोनी, अमीशा, ठीक है, काफ़ी बच्चों के नाम हो गए। कुमार, भास्कर जी, बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को बता दूं कि एनसीईआरटी जो है आप सभी की क्रम से कवर हो रही है इस आरोहण में, है ना। एंड आई होप आप सभी बच्चे बेसिक एंड कहीं ना कहीं करंट अफेयर, जब तक मैं शुरू नहीं करती हूँ करंट अफेयर को तब तक आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर या फिर एक न्यूज़पेपर से बच्चे जरूर जुड़े रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो टेलीग्राम वगैरह में मैं उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ, मेरी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, मैं 1500 बच्चों को अलग अलग नहीं बता सकती। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको क्लास में एक्टिव रहना होगा, जो आपको शेयर करती हूँ मैं ग्रुप में उसमें आपको वो लिंक में एक्टिव रहना होगा कि हाँ मैम की क्लास शुरू हो गई, क्लास पूरी देखो। तो जो भी आपके क्वेश्चन है बच्चे, मैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास चीज़ें आसान हो जाती हैं मुझे आपके लिए समझाना, ठीक है। 1500 बच्चों को बच्चे मैं पर्सनली नहीं आपको मैसेज कर सकती, ना आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वह होते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है एंड बहुत सारी बातें, तो मेरी क्लास से जुड़े रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। गैप जो है वह मैं आपको काफ़ी दे देती हूँ बीच में ताकि आप रिवीजन के लिए भी आपको जो प्रॉपर है वह टाइम मिल सके, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आप सभी प्लस कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स से जुड़ने से क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड ज्यूरिंग द लाइव क्लासेस आस्क यू डाउट एंड आंसर पोल्स ऑल वाइल ऑन क्लासेस गोइंग ऑन। तो जब क्लास चल रही हो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके डिस्कशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप शेयर कीजिए एजुकेटर के साथ, वह आपको आंसर करेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होता है बच्चे, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जो भी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि आपको बाद में नहीं देखने, केवल लाइव क्लासेस ही मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट, जब आपको टाइम है, जब आपने अपना शेड्यूल डिजाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस देख लो। फुल्ली स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं, ये नहीं कि आपका सिलेबस जो है वह कवर नहीं कराया जाएगा, ठीक है। पूरा जो आपका सिलेबस है बच्चे फुल कवर कराया जाता है। आप देखिए काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको भी बेसिक पढ़ा रही हूँ बच्चे, एक तरह से आपका बेसिक प्रिपेयर होता है। बेसिक बेसिक के साथ जब मैं एडवांस बता दूंगी तो आपका एडवांस प्रिपेयर हो जाएगा। फिलहाल जब आप प्लस की क्लासेस लेते हो तो आप सारा कुछ तो मैं नहीं पढ़ा सकती ना। मान लीजिए आपके आपको मेंस के लिए प्रॉपर गवर्नेंस पढ़ना है, प्रॉपर साइंस टेक पढ़नी है, प्रॉपर इकोनॉमी पढ़नी है, तो मेरे साथ आप बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड साथ ही साथ मैं आपके नोट्स बनवाना आपको सिखा दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन एडवांस के लिए तो फिर आपको प्लस पर जो बाकी टीचर्स हैं वह भी मिलते हैं बच्चे, एंड एडवांस आपको इनसे ही सीखना है। मैं भी रहूँगी साथ साथ। लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसे आप इवेल्यूएट करते रहना बहुत जरूरी है। खुद भी कीजिए, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे खुद भी कीजिए कि आप 6 महीने से पढ़ तो रहे एनसीईआरटी, सीख पा रहे हो कुछ या नहीं, तो रिविजन कर पा रहे हो या नहीं, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना समझना। टॉप 100 एजुकेटर्स है बच्चे जिनके साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस 15,000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल है एंड साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन करने के लिए, मान लीजिए 12 मंथ का है, अभी भी फीस वही है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता प्रॉपरली,
आपका जो फी है 44 है, आफ्टर यूज माई कोड, अप्लाई कोड का ऑप्शन आता है जहां पर आपको मंजू 101 लिखना है। मंजू 101 कोड से आप 10% जो डिस्काउंट है वह ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर बच्चे आप आइकॉनिक का लेना चाहते हैं, आइकॉनिक का वो बच्चे ले लो जिनके पास मेंटर की कमी है, जिनके पास कोई बताने समझाने के लिए नहीं है, तो मेंटरशिप के लिए बच्चे आपको 12 मंथ्स के लिए पे करना होगा 67,000, ठीक है। ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल है आराम से, जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप वन बैक नहीं पे कर सकते तो बच्चे आप ईएमआई से ले लीजिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड इशू करा के, कोई इशू नहीं है उसमें। काफी सारे जो बैचेस है बच्चे 6 मंथ के, 1 ईयर के, 2 ईयर के, सारे शुरू हुए हैं 24 फेब से 18 फेब से। तो आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, अभी ले लीजिए, प्लान कर लीजिए आप। अगर नेक्स्ट आप 22 या 23 में दे रहे हैं तो आपके पास अभी अच्छा मौका है सिलेबस को कंप्लीट करने का, ठीक है। सो साथ ही साथ अगर आप कॉम्बो चाहते हैं, जैसे आपको प्लस का जीएस भी चाहिए प्लस कोर्स में, और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल भी चाहिए, और तो प्लस और ऑप्शनल दोनों का 5,842 ईएमआई पे करके और 70,000 पे करके आप इससे जुड़ सकते हैं 70,000। तो आपका जो जीएस के साथ साथ ऑप्शनल है बच्चे वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्लास 6, 7, 8 का जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है वह पढ़ा, आप सभी परिचित हुए काफी सारे शब्दों से। पॉलिटी में रिवीजन करते रहना है, क्लास लू ना लू, बीच में अगर आपको गैप भी मिलता है बच्चे 1-2 दिन का तो ये भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी हमें कमबैक करने के लिए, फिर से उसी एनर्जी के साथ लगने के लिए अपने आगे की क्लास में जरूरी होता है थोड़ा सा कि हम बीच में ब्रेक भी ले लें, है ना। सो लोकतांत्रिक राजनीति 6, 7, 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 9 और 10 की। अगले 2 दिनों में आपकी लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, जो कि क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटी की, राजनीति विज्ञान की, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, संविधान का निर्माण कैसे होता है, सभी क्वेश्चंस भी जो यहां से पूछे जा सकते थे पीटी या मेंस के, उन सभी पर भी हम लगातार चर्चा करते रहे। आज हमारा जो चैप्टर है वह है चुनावी राजनीति, चुनाव पर हम बात करेंगे, यानी अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, अगर आप जानते हैं, और लोकतंत्र को ना केवल संकुचित परिभाषा, वरन लास्ट हमने देखा था कि लोकतंत्र का एक बृहत्तर जो अर्थ है वह अब क्या है, कि अब उसमें ना केवल टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शामिल नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है कि अब किस तरह से आप आरटीआई दे रहे हो, क्या सूचना का अधिकार आमजन को उपलब्ध है, क्या सभी को इक्विटी उपलब्ध है। अब यहां पर मेरा मतलब इक्वलिटी से नहीं है, इक्विटी से है कि फिनिश लाइन, स्टार्टिंग लाइन भले समान ना हो, जो फिनिश लाइन है वह सबके लिए एक समान होनी चाहिए, है ना। याद आ रहा है वो स्टूल वाला आपको जो चित्र दिखाया था, तो ये आरटीआई हो, इक्विटी हो, और भी बहुत सारी ऐसी न्यूनतम आवश्यकताएं, न्यूनतम ऐसी शर्तें थी जो आपको एक लोकतंत्र से, एक सही अर्थों में जो लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ होता है, एक व्यापक अर्थ होता है, उससे आप जुड़ते हैं। संविधान निर्माण की हमने बात की थी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसा कारण था कि जो संविधान है, जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड है अगर, तो उसके लिए भी जब एक कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स है बच्चे, प्रिंसिपल्स हैं वह होते हैं, तो अब इसी बात है कि इतने बड़े देश, इतने सारे लोग, विभिन्न तरह के लोग, अलग अलग पंथ धर्म के लोग, तो हमने अपनी प्रस्तावना में किस तरह से चीजों को शामिल किया, किस तरह से हमें सभी के लिए कुछ ऐसे मूलभूत नियम बनाने थे कि सब श्योर रहे, सबको गारंटी हो कि हाँ ये नियम हमें मिल जाएंगे, और अगर हमें इन नियमों के तहत ये स्वतंत्रता, ये समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी चीजें अगर हमें नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, तो फिर कोई ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए, कोई ऐसी एक संस्था होनी चाहिए कि आप उसके पास जाकर चीजों को लागू करा सके। इसका मतलब संविधान क्या था, एक नियमों का ऐसा गुच्छा था, नियमों का एक ऐसा समूह था जो किसी समाज में होने चाहिए, और अगर हम कहें कि आधुनिक विश्व में सामान्यता यह जो स्वीकृति होती है वह लिखित रूप में होती है, और इसी को हमने क्या कहा था कि लिखित संविधान। और भारत का तो चाहे हम लोकतंत्र की बात कर ले तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव हमें मिलता है, एंड साथ ही साथ अगर हम कहें कि संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान भी लिखित रूप में भारत का है। और हमने यह भी देखा था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर लोकतंत्र चाहिए
क्योंकि लोकतंत्र के साथ बहुत सारी जो चीजें हैं वह जुड़ती हैं, तो आपको संविधान चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो या फिर रिटर्न ना हो, है ना। इन सभी बातों को अब तक हमने समझा था। अब हम आज बात करेंगे चुनावी राजनीति पे, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप कहते हैं कि हाँ अब लोकतंत्र आया है, बिना चुनाव के लोकतंत्र नहीं हो सकता। अगर आप अपने पसंद से उम्मीदवार ना चुन सके, आपने जिसे चुना है वो आप पर शासन ना करे, आपको लगे कि नहीं हमने वोट तो इन्हें किया था या मेजोरिटी तो इनके पास थी, सामने वाला कैसे जीत गया, क्या चुनाव निष्पक्ष थे, नहीं थे। और वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है और यूपीएससी मेंस में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, वह है इसी चुनावी राजनीति से, कि क्या वर्तमान में भारत में जिस तरह से जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वे स्वतंत्र हैं, क्या निष्पक्ष हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। कल हमें बात करनी है संस्थाओं के कामकाज की सुबह 11 बजे, और फिर परसों हम बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार की सुबह 11 बजे, ठीक है, 11 बजे ही आपका टाइम रहेगा। और आपको यह भी बच्चे याद रखना है कि जैसे आपके 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, सो नेक्स्ट डे आपका रिवीजन होगा, यानी अगली जो 3 क्लासेस हैं कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली है 11 बजे से, और आपका ये जो पॉलिटी है 9 का खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे पॉलिटी 10 में, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक? मैं किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एंड सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, ताकि बाकी भी जो बच्चे हैं वह क्लास में जल्दी से जुड़ जाए। चलिए, तो आप सभी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं ले सकूं, सभी फालतू ही बकवास है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं, और इसमें मैं आप सभी को बता दूं चुनावी राजनीति में केस चैप्टर में हम पढ़ने के हवाले हैं, चुनावी राजनीति नोट्स बना लो। मुझे लगता नहीं है काफी सारे बच्चों ने कुछ दिन से पेन उठाया होगा कि चलो मैम तो नोट्स बनवा नहीं रही, खुद से बनाए नहीं होंगे। कितने बच्चे थे जो लगातार रिवीजन करते रहे हैं, बताइए जरा। चुनावी राजनीति, इस चैप्टर को हमें देखो 3 भागों में बांट के पढ़ना है, यानी इसके मुख्य रूप से आपको 3 पार्ट जानने हैं। पहला जो पार्ट है कि चुनाव क्यों, पहला जो पार्ट है वह क्या है कि क्यों, जरूरत क्या है चुनाव की, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये आप सोचिए, तब तक हम इस पर आगे बात करेंगे, है ना। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली है क्या। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि अगर ठीक है हमने मान लिया कि चुनाव आवश्यक है, तो चुनाव की जो हमारी प्रणाली है, जो हमारी व्यवस्था है, वह क्या है, दूसरी बात। और तीसरा हम देखेंगे चुनाव की प्रणाली क्या है, लिख देती हूं। एंड तीसरा बच्चे जो हमको समझना है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। चुनाव तो वहां भी होते हैं, चीन जैसी जगह भी चुनाव होते हैं, लेकिन क्या वो चुनाव पूरी तरह से सही है, लोकतांत्रिक होते हैं, क्या चीन लोकतंत्र है। इन सभी मुद्दों पर हमने लास्ट बात की थी, है ना। तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, क्लियर। तो इन 3 विषयों पर आपको इस पूरी चुनावी राजनीति को समझना है, क्लियर। अब देखो, फर्स्ट जब हम देखेंगे कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी नेसेसिटी है, उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ भाई चुनाव तो है, काफी जरूरी है। तो फर्स्ट हम इसमें यही जानेंगे कि चुनाव आवश्यक क्यों है, यानी चुनाव की जरूरत क्यों है। इसमें हम सबसे फर्स्ट ही देखेंगे कि चुनाव की जरूरत, ठीक है, चुनाव की जो जरूरत है वह क्या है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि चुनाव को क्या लोकतांत्रिक मानने का आधार है, चुनाव को
अगर हम कहें कि किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव हो रहे हैं या फिर चीन में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आप चीन में, लास्ट याद कीजिए कि मैंने आप सभी को चीन के बारे में क्या बताया था, किसी भी बच्चे को याद है तो, क्या चीन को, पाकिस्तान को, जिम्बाब्वे को, यानी जो भी उदाहरण मैंने आप सभी बच्चों को दिए थे, क्या आप कहेंगे कि वो लोकतंत्र है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है, है ना? तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के कुछ आधार होते हैं और ये आधार इंडिया फुलफिल करता है। क्लियर? आधार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड नेक्स्ट हमें इसमें थर्ड जानना है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? क्या राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है वह अच्छी है, इसे समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चुनाव की जो प्रणाली है वह क्या है, इसमें हम देखेंगे कि चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं। इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो चुनाव क्षेत्र हैं वह क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है पीटी एंड मेंस आल्सो, याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। अगर आप कहेंगे ये रिजर्व है तो वो आरक्षित ना केवल श्रेणियां होती है वरन निर्वाचन भी होते हैं, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मतदाता की जो सूची है वह क्या है। लास्ट टाइम मतदाता सूची से जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी ने पूछा था। उम्मीदवारों का नामांकन, और नेक्स्ट हमें देखना है कि चुनावी अभियान, ठीक है, और मतदाता गणना, दो चीज और चुनाव की प्रणाली में आगे क्या देखना है हमें इसमें। चलो आओ दो चीजें यहां लिख देती हूँ साइड में कि चुनाव अभियान और मतदाता गणना। तो समटाइम्स यहां से ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चुनाव की जो प्रणाली है उसका एक क्रम क्या है, कि सबसे पहले हमने चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए, उसके बाद हमने ये देखे कि उसमें आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, मतदाताओं की आपने सूची बनाई, सूची बनाने के बाद जो उम्मीदवार है उनका नामांकन होता है, फिर उसके बाद चुनाव अभियान होता है, एंड नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या होता है, चुनाव अभियान होगा, उसके बाद फिर मतगणना होगी या मतदाता गणना। चुनाव में, चुनाव जो है वह क्यों, भारत में अगर हम चुनाव की बात करें तो ये लोकतांत्रिक क्यों है? और इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि चूंकि इंडिया में स्वतंत्र चुनाव आयोग है, क्या कोई भी बच्चा मुझे यह बता सकता है कि चुनाव आयोग कब से अस्तित्व में, तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन ऐसे कौन से चुनाव आयुक्त आते हैं और वह कहते हैं कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूं, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। यानी कोई भी आयोग जो है, सभी आयोगों के पास शक्तियां होती है, ऐसा नहीं कि किसी आयोग के पास कम या ज्यादा शक्तियां है, फर्क पड़ता है कि उस पर बैठा किस तरह का इंसान है। मान लीजिए कोई एक्टिव पर्सन आ गया जिसे पता है कि चुनाव में जो राजनेता या राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वह गलत है, वह उस पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन लोग डर के कारण लगाते नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इस डर के पार जाकर भी काम करते हैं, और उसके बाद जो चुनाव आयोग है फिर वह जाना जाने लगा कि अरे भारत में तो ऐसी भी एक संस्था है, और यहां से फिर जो चुनाव सुधार है 80 के दशक के बाद से जो प्रक्रिया है वह काफी तेज हो जाती है। बताइए कोई भी बच्चा मुझे नाम बता दे
कैसे कौन से चुनाव आयुक्त आते हैं कि उसके बाद लोगों को पता चलता है कि भारत में चुनाव आयोग भी है, और खुद आयोग इस चीज को समझ पाया कि अरे हमारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, यानी कोई भी जो पद है वह सुशोभित अपने आप में नहीं होता, उस पर कौन सा पर्सन बैठा है, कौन सा व्यक्ति उसको शासित कर रहा है वह फर्क डालता है। क्या कोई बताएगा? नहीं, इमाम हैदर नहीं है। किसी को भी नहीं बताओ, बताइए जरा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। नेक्स्ट हम देखें चुनाव में लोगों की भागीदारी। वैसे भी पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं एज अ मेन की ऑफ लोकतंत्र या फिर बाकी सभी चीजों की, पार्टिसिपेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है। भागीदारी नहीं होगी तो कैसे होगी? तो चुनाव है, लोग ही नहीं है तो कैसे ये बात बनेगी, है ना? तो चुनाव में लोगों की भागीदारी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, चुनाव में जो नतीजे आए हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, और लास्ट है इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। ये सबसे ज्यादा वर्तमान में मुद्दा है कि अगर हम ये कहें कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है तो जरूरत ही क्या थी भाई फिर इसकी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, क्लियर? तो इन तीन बातों को इन भागों में बांटकर फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं चुनावी राजनीति, ठीक है? और इस चुनावी राजनीति में चुनाव क्यों होने चाहिए, चुनाव हो रहे हैं तो उसकी कोई प्रणाली तो जरूर होगी, और भारत में अगर चुनाव हो रहा है तो वह लोकतांत्रिक है, इस पर हम थोड़ा सा परीक्षण करेंगे। फिर हम देखेंगे चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। अच्छा ये देखो, अगर हम इस तरह से एक क्वेश्चन सोचें कि भारत में जो चुनाव है क्या वह लोकतांत्रिक है, तो अगर हम वही बात है, ए अगर बी है, बी अगर सी है, तो फिर ए बराबर सी, वो मैथ वाले फॉर्मूलेस भी लगते हैं चीजों में। अगर आप इस चीज को इसमें प्रूफ कर दें कि जो लोकतांत्रिक मानने के आधार है वह सारे आधार भारत में मौजूद है, तो आप भारत की व्यवस्था को, भारत की चुनावी व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मान सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, है ना? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है, इसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो चुनाव क्षेत्र है ये एक क्रम है, चुनाव की प्रणाली है उसे हम समझेंगे। मतदाता सूची, उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव अभियान और मतदाता की गणना, और लास्ट हमें देखना है इसमें कि स्वतंत्र चुनाव आयोग है भारत में, इसलिए हम कहेंगे लोकतांत्रिक है। चुनाव में लोगों की भागीदारी है इसलिए हम कहेंगे लोकतांत्रिक है। चुनावी नतीजों को कुछ मामलों में छोड़ दें हम तो वह स्वीकार जनरली लोग जो है वह कर लेते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि भारत में जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक है। क्लियर है यहां तक सबको या नहीं है, बताइए जरा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से ज्यादा बच्चे सभी शेयर कीजिए ताकि बाकी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वह आ जाएं। अब ज्यादा बच्चे भी शेयर नहीं करना, एक या दो बच्चे शेयर कर दें अगर टेलीग्राम में तो फिर छोड़ देना। हाँ सागर, ये सारे लेक्चर्स जो हैं वह अवेलेबल हैं, पुराने भी सारे जो 41-42 लेक्चर्स है वह सारे मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सभी में मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, ये तो इसका एक फेज है, केवल एक ही पार्ट है। अभी आगे मैं यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वह भी कराती हूँ, साथ साथ में संभावित जो क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से इसमें मैं कुछ क्वेश्चन शामिल करती हूँ हमेशा कि आपने क्या सीखा, है ना? मेंस के क्वेश्चन भी शामिल करती हूँ, एंड आपके जो क्वेश्चन अगर हों बच्चे तो आप बिल्कुल, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा।
किसी बच्चे ने टीएन सेशन का नाम लिखा था और वो आपने सही लिखा था लेकिन आपने डिलीट कर दिया है ना। बिल्कुल सही लिखा था कि जब टीएन सेशन, आप उनको सर्च कीजिएगा, जरूर जरूर पढ़िएगा बच्चे, क्योंकि इससे आपको निर्वाचन आयोग में भी इंटरेस्ट आएगा और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप एक बार पढ़ेंगे जरूर कि आखिर निर्वाचन आयोग है क्या। आप बिल्कुल समझेंगे कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में आखिर क्या पावर्स जो है वह एक स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए उन्हें दिए गए। बिल्कुल सही लिखा है आप सभी बच्चों ने, जिसने भी लिखा था बहुत सही लिखा था। चलिए सो आगे चलते हैं। अब हम सबसे फर्स्ट, आप सभी बच्चों को बता दूं, मैंने शेयर भी किया था ना एक बच्चे के वॉइस में कि एक स्टूडेंट ने, छोटा सा स्टूडेंट, और उसने जो प्रस्तावना है उसको याद किया था। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है कि प्रस्तावना का एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में शायद मैंने 45 या 50 मिनट से प्रस्तावना चली थी। आइए एक बार प्रस्तावना को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, आपको पता है मेन इसमें क्या करना है, ठीक है। जैसे लास्ट मैंने आपसे चर्चा की कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। अब इसके मेन मेन जो भी वर्ड्स है उन सभी को इंग्लिश में भी समझोगे। लास्ट जिन बच्चों ने भी केवल और केवल एकदम प्योर हिंदी में आपने कर लिया प्रस्तावना, उस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन उसका हिंदी वर्ड भी आप, उस हिंदी वर्ड के साथ साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी आपको जानना है, ठीक है। जैसे सोशलिस्ट है, सेकुलरिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोवरन है, इन सभी वर्ड्स को याद रखोगे, ठीक है। जस्टिस, देखो इसमें कितने अच्छे से इसमें कितने बेहतर तरीके से बताया, जस्टिस तीन तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी यानी किस किस की आपको स्वतंत्रता थी, सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की, आपकी पूजा की, धर्म मानने की। इक्वलिटी समानता किसकी की थी, अवसर की समानता, और एक स्टेटस यानी प्रतिष्ठा और अवसर, दो इक्वलिटी, ठीक है। बंधुता की जब हमने बात की थी, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वह व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया, वह नेशन के लिए यूज किया, वह भारत के लिए यूज किया। और फिर उसके बाद हमने देखा था लास्ट में कि हमें, चलिए बस इतना ही बहुत है, बाकी देख लीजिएगा आप सभी। इंग्लिश में भी आप सभी को एक बार ये जरूर याद करनी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो सभी बच्चे। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब शुरू हो चुका है, आगे बहुत लंबा जाएगा प्रस्तावना, याद रखिएगा कई बार जो प्रस्तावना है वह आने वाला है, ठीक है। चलिए तो मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दिखाती हूं कि मेंस में किस तरह के जो क्वेश्चन है वह आते हैं। पढ़िए जरा इस प्रश्न को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए चुनाव सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। अब देखो कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, यानी आपको बताना है कि किस तरह से भारत में जो चुनाव है स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और लोकतंत्र की आत्मा इसलिए है क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी टू बाय फॉर द पीपल। आ रहा समझ में क्या कहना चाह रही हूँ, टू बाय फॉर पीपल मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर अगर शासन है तो वह शासन होगा, तो होगा कैसे, तो वह डेमोक्रेसी से होगा। एंड डेमोक्रेसी का जो की एलिमेंट है वह भागीदारी है, और उसी पार्टिसिपेशन, उसी भागीदारी का तो एक तरीका है चुनाव, और जब चुनाव होगा वही तो लोकतंत्र की आत्मा है। इस चीज को बताते हुए आपको आगे बताना है कि किस तरह से भारत में जो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक है, चाहे हम धन की बात कर ले, चाहे हम बाहुबल की बात कर ले, चाहे हम इस चीज की बात कर ले कि किस तरह से लोग अपनी पार्टी से, मान लीजिए किसी नामी गिरामी गुंडे को शामिल कर लेते हैं क्योंकि चूंकि लोग उससे डरते हैं, कहीं ना कहीं उसके पक्ष में वो चीजें आती, तो यही तो धन बल, बाहुबल, इन सब का यूज करना। जितनी आपकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी उतना आपका राजनीति का जो सितारा है वह बुलंद होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वह अच्छे लोगों को जाने से रोकती हैं। और इसी संबंध में अरस्तु एंड बाकी ऐसे कुछ विद्वान कह गए कि अगर एक योग्य व्यक्ति शासन से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं जब अयोग्य हम पर शासन करेगा तो इसका खामियाजा अंततः उसे ही भुगतना पड़ता है या लोगों को भुगतना पड़ता है। तो राजनीति की अगर आज हम बात करें बच्चे कि जो चुनाव है अगर यही सही नहीं हुआ, अगर आपने जिन लोगों को चुना वही सही नहीं है, या फिर जिस प्रक्रिया से चुना गया वह प्रक्रिया सही नहीं है, तब तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 500 रुपए में वोट जो है वह खरीदे जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्यादा नोट होंगे उसे ही वोट मिलेंगे, है ना, वोट वर्सेस नोट। तो यही सारी बातें बच्चे कि अगर हम भारत की व्यवस्थाओं की बात करें, इसे शेयर करो ग्रुप में,
और लिखिएगा जरूर इस पर आंसर। काफी सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे आंसर्स लिखते हैं बट उसमें आप लोग इतने अननेसेसरी मैसेज करते हो कि उसे देखना पॉसिबल नहीं होता उस टेलीग्राम चैनल को। इवन मेरे लिए टीम भी मना करती है कि मैम हम नहीं देखेंगे। तो आप सभी कोशिश कीजिए बच्चे, पढ़ने का अगर आप सभी को एक मीडियम मिला है, आपस में भी इंटरेक्शन उतना हो, कोई पर्सनली बात है तो भाई पर्सनली मैसेज कीजिए, अदरवाइज उसमें केवल और केवल, फिर बता रही हूँ आप सभी को, स्टडी रिलेटेड या आप सभी की सुविधाओं के लिए या उन बच्चों के लिए छोड़ दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज। तो आप सभी बच्चे इसे लिखिएगा और बिल्कुल भी हाय हेलो चलेगा बिना सोचे समझे ब्लॉक किए जाओगे। अभी तक कुछ दिन से मैं ब्लॉक कर नहीं रही थी बट आप करूंगी आगे। क्लियर है? तो और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि चाहे हम धन बल की बात कर लें, चाहे हम और सारी चीजों की बात कर लें, अगर आपको ये कारक है, कारक लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि चुनाव सुधार की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव सुधार के लिए बहुत पहले से काफी सारी, चाहे हम दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें, वर्तमान में हम किसी समिति की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बात करें, कि काफी सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो है वे बार बार की गई ताकि चुनाव को एकदम निष्पक्ष बनाया जाए, अच्छे लोगों को जिता सके। कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों की नहीं है, है ना? और वही आप गांधी जी की अगर बात सुने तो गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर आप में नैतिकता नहीं है आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, है ना? राजनीति नहीं करना चाहिए, ये पाप है अगर आप में नैतिकता नहीं है तो। तो ये सारी बातें बच्चे आपको इन सभी चीजों को इसमें लिखना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, आपको ये इस तरह से पढ़ा चुकी हूं वैसे तो मैं कथन कारण, आपको मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे एंड उसके बाद आप सभी अगर कोई मैसेज कर रहे हैं तो अभी कीजिए बच्चे, मैं आपके जो मैसेजेस है मैं देख रही हूँ फोन में और इसका आंसर भी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट आंसर देता है। परेशान ना हो बच्चे, हम किस दिन के लिए हैं। हाँ, अरस्तु ने लोकतंत्र की आलोचना की थी, बिल्कुल सही। अंकुर, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना वो पूरा का पूरा वो चैप्टर का ही सारांश है, चिंता मत कीजिए। बस ये है कि हमें ए टू जेड चलना है तो हम डायरेक्ट जेड पर जंप नहीं लगाएंगे, पूरा ए से लेके जेड तक हमारा चलेगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, बाकी कुछ लोगों को और भी कुछ लगते हैं, है ना? ए से लेके जेड तक नहीं लिखा, नहीं तो आप सब ए से लेके जेड तक भी लिख देते। स्पेक्ट्रम की क्लास शाम को 6 बजे होती है सोनाली, और जब होगी तब आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ। सो एनसीईआरटी विथ मंजू मैम टेलीग्राम चैनल है, एनसीईआरटी विथ मंजू मैम, कोई बच्चा टेलीग्राम लिंक शेयर कर दो, उसे ज्वाइन कर लो, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। कथन में मैंने आपसे पूछा है कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। कारण लिखा है कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए शासन करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। यह बताइए कि जब मैंने आपसे बात किया था, मतलब लास्ट क्लास में जब हम चर्चा कर रहे थे उस विषय पर कि लोकतंत्र के अगर आप पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो इसके पक्ष में भी काफी सारे रीजन है, काफी सारी ऐसी बातें हैं, लॉजिक है जो ये सिद्ध करती कि हाँ लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ यह कहते हैं कि लोकतंत्र कोई रामबाण नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाया और लोकतंत्र आ गया, तो वहां हमने इस चीज को समझा था कि जब एक हम बड़े समुदाय की बात करते हैं तो बड़ा समुदाय जो है वह शासन नहीं कर सकता, हर 135 करोड़ लोग भारत के शासन नहीं कर सकते, ना तो इतनी लोकसभा में जगह है, ना ही इतनी राज्यसभा में कि 135 करोड़ लोग बन सके, है ना? सीटें लिमिटेड है। तो बस वही बात है बच्चे कि अगर हम आपको इन समुदायों को भी शासन व्यवस्था का भागीदारी बनाना है तो वही हो सकता है कि ये चुनाव कर दें किसी एक व्यक्ति का और वह एक व्यक्ति जो है वह इन सभी की बातें अपने क्षेत्र की बातें जाके संसद में रखेगा। तो ये क्या है, सही तो लिखा है, इसमें क्या गलत है कारण? और कथन की अगर हम बात करें कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, अब कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये बताओ, उसके बाद फिर अब आंसर बताओ, कितने बच्चों को क्लियर हुआ?
अरुणा मैसेज करना बंद करो, इस पर भी हम बात करेंगे। बीच बीच में क्लासेस में आपको सभी कुछ बच्चे बताती जाती हूं। समझ आया किसी बच्चे को अब जब मैंने समझाया? बताइए। देखिए क्लास ब्रेक मत कीजिए बच्चे, शुरुआत में जब मैं पूछती हूँ तभी आपके पास समय होता है। अभी मैं फिर हम क्लास से थोड़ा सा भटक जाते हैं ना, बीच में हम फिर आएंगे आपकी बात पर, ठीक है? सो किसी भी बड़े समुदाय के लिए शासन करना संभव नहीं है, तभी तो वह प्रतिनिधियों को चुनती है और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं, तो जो कथन है उसके लिए सही व्याख्या तो है। क्या परेशानी है इसमें बताइए? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है, सो दोनों ही सही है और इसके जो सही व्याख्या है वह भी वह करता है, तो दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक कथन है तो दूसरा कारण है, एक कारण है तभी वह दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, समझे? ये चीज के लिए तो आज का चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इसके पहले कि मैं आपको चुनाव पढ़ाऊं कि लोकतंत्र में जो चुनाव है वह क्यों आवश्यक है, इसके पहले आप मुझे बताइए कि चुनाव मतलब है क्या? इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है जिसमें प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वह अपने पद पर ना बना रहे, यानी जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वह ना रहे, ऐसी व्यवस्था की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर प्रतिनिधियों को चुन सके, इच्छा अनुसार उन्हें बदल सके या फिर सभी। क्या होगा इसका आंसर बताइए? ओके, सो काफी सारे स्टूडेंट है जिन्हें लगता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और आप सभी को बिल्कुल सही लगता है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही आंसर है। चुनाव का मतलब क्या है? लास्ट हमने देखा था जब हमने जिम्बाब्वे का, चीन का, ये सारे उदाहरण याद आ रहे हैं जब हमने लोकतंत्र को समझा था कि अलग अलग देशों में लोकतंत्र अलग अलग तरह से हो सकता है। उसमें हमने समझा था कि अगर किसी, मान लीजिए एक बड़े वर्ग को अगर पसंद नहीं है कोई प्रतिनिधि, तो हर बार आपको 5 साल बाद उसे चेंज करने का मौका मिलता है। इसलिए हम सभी को वोट जरूर देना चाहिए और अपने वोटिंग राइट का यूज करना चाहिए। यही बात है कि प्रतिनिधि लोगों को अगर जो पसंद ना आए तो वह अपने पद पर ना बना रहे, उसे हटाने का अधिकार हो, उसे चेंज करने का अधिकार हो, और ऐसी व्यवस्था की कम से कम एक टाइम हो। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव हुए और अब आप चुनाव अगले जो होंगे अगले 20 साल बाद होंगे, अनिश्चित चुनाव होंगे। तो एक अच्छे लोकतंत्र में या फिर चुनाव की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक नियमित अंतराल, नियमित वर्ष है ना, हमारे यहाँ 5 वर्ष में होते हैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव, ठीक है? और लास्ट है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बदल सके। मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है जो लोगों की इच्छाओं पर, उनकी जो आवश्यकताएं थी उस पर खरा नहीं उतर सका, तो लोगों के पास 5 ईयर के बाद फिर से एक टर्म आता है और उन्हें फिर से उस बदलाव करने का जो मौका है वह मिलता है, ठीक है? चलिए, तो ये तो हुआ। अब हम देखते हैं चुनाव क्यों, जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 200 से अधिक ऐसे देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। क्या केवल लोकतंत्र में चुनाव होते हैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेती कि जो चुनाव है क्या केवल लोकतंत्र में होते हैं, अरे चुनाव तो हो सकता है राजाशाही में भी हो जाए, तो केवल लोकतंत्र में चुनाव नहीं होते, केवल जो वर्ड है ना ये गलत कर देगा। हाँ भाई, लोकतंत्र में तो होते ही है, लोकतंत्र है इसका मतलब चुनाव तो है ही। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे देश भी हैं कि भले लोकतंत्र ना हो लेकिन वहां भी जो चुनाव है वह होगा, पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ में बैठे, सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय एक में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, हमने एक ड्रॉबैक देखा था बच्चे लोकतंत्र का, और उसमें यही एक क्या है, एक कमी है कि जब अगर आप 135 करोड़ लोगों की बात करते हो, जब भी मोदी जी का संबोधन आता है तो अब 135 करोड़ लोग बोलते हैं, 125 करोड़ नहीं बोलते, है ना, 100
बच्चे से ही बोलते हैं। चलिए सो देखिए, किसी भी बड़े लोकतंत्र की अगर हम बात करें, समुदाय की बात करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या करते बच्चे, शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता? क्या पूछा? क्या अगर चुनाव ना हो, चुनाव के बिना चुनाव ना हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सकता है? बताइए। आइए ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर हो। किसे ज्यादा अनुभव या किसे ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर अगर हम यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों में उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं, लोगों को उनका जो प्रतिनिधि है वह पसंद है या नहीं, या फिर हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप हो? इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या बिना चुनाव के जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है उसका चुनाव कर सके? तो इसमें कहा जा रहा है कि इवन एक ऐसा जो प्रणाली है वह जरूर होना चाहिए कि जो प्रतिनिधि है लोगों के मन का है या नहीं है, या जो शासन कर रहा है वह उनकी इच्छा के साथ है या नहीं, इस जरूर को इस चीज को कंसर्न में लिया जाए। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करें जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वह अपने पद पर ना बना रहे? यही हमने एक लोकतंत्र में देखा था कि कोई पसंद ना है तो वह पद पर ना बना रहे। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, और इसी व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव है। ठीक है, अब हमने अगर एक व्यवस्था का नाम देखा कि इच्छा के अनुरूप प्रतिनिधि जो है इच्छा के अनुरूप शासन हो, लोगों की पसंद का जो ना हो वह ना रहे, ठीक है, ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके, और अगर इच्छा हो तो उसे चेंज भी कर सके। और बस बचे यही जो व्यवस्था है वह क्या है, इसी को हम इलेक्शन कहते हैं, इसी को हम चुनाव कहते हैं। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है। हमारे यहाँ कौन सा चुनाव है? प्रतिनिधित्व, यानी आप खुद लोकसभा राज्यसभा नहीं जाएंगे, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, एक क्षेत्र से चुन के आप लोग आगे करेंगे, वह आपके लिए फैसले लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस गवर्नमेंट। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, इन सब का जो चुनाव है वह कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्या आप लोकतांत्रिक किसी चुनाव को, अगर आपको लोकतांत्रिक मानना है तो उसके पीछे क्या आधार हो, यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताती हूं कि अगर आपको कहना है कि जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक है, ठीक है, चुनाव लोकतांत्रिक है, तो फिर इसके आधार क्या माने जाए, किस बेस पर आप कह सकते हैं कि जो चुनाव है वह कैसे हो रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम इस पे कहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर। फर्स्ट चीज। सेकंड हम देखेंगे कि सभी को मताधिकार मिला हो,
सभी को क्या हो फ्रेंड्स, मताधिकार मिला हो। मताधिकार देना केवल काफी नहीं है, बल्कि ये जो मताधिकार है इसका मूल्य भी तो समान होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम कहेंगे कि आपने जो एक वोट है, एक वोट बराबर एक मूल्य हो, एक वोट बराबर एक मूल्य हो, मतलब जो मत मूल्य है वह कैसा होगा, समान है, समान होगा। ये नहीं, वही बात है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो उसके एक वोट का मतलब 100 वोट होगा और एक जो गरीब व्यक्ति है उसके एक वोट का आधा वोट माना जाएगा। मतलब सभी को समान मूल्य मिले, सभी का जो मताधिकार है वह कैसा हो, समान हो, सभी की वोटिंग का जो भार है वह समान हो, इसे हम कहेंगे सेकंड लोकतांत्रिक चुनाव का आधार। अब तीसरा हम कहें, अगर मान लीजिए आपको चुनना हो और आपके पास कोई हो ही ना, आपके पास केवल एक ही पर्सन हो, है ना, अगर आपके पास चुनाव के लिए कोई है ही नहीं, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक चुनाव है, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो चुनाव को अगर आप लोकतांत्रिक कहना चाहते हैं तो हम इसमें कहेंगे कि चुनाव का आपको विकल्प उपलब्ध हो, बिना विकल्प के तो फिर कोई चुनाव है ही नहीं। आपके पास जो था आपने उसे चुन लिया, है ना, आपके पास जो था आपने उसे चुन लिया, आपके पास विकल्प नहीं था, तो अगर विकल्प नहीं था तो फिर वो चुनाव लोकतांत्रिक तो कतई नहीं था, क्लियर। तीसरा हम देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आज चुनाव हो गया फिर आज से 50 साल बाद होगा, यानी एक रेगुलर जो इलेक्शन है वह भी होना चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहने चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव, ठीक है, नियमित अंतराल पर जो चुनाव होंगे हम उसे कहेंगे कि वह जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक था। फिर हम कहेंगे कि लोग जिसे चाहे, यानी लोगों की इच्छा अनुसार चुनाव हो और लोग जिसे चाहे वही उन पर शासन करे, लोगों की इच्छा अनुसार शासक चुना जाए, लोग जिसे चाहें वही चुना जाए, है ना। तो ये क्या हुआ बच्चे, अगर जिस चुनाव में ये सारी विशेषताएं मौजूद है हम कहेंगे कि ठीक है भाई वह लोकतांत्रिक चुनाव है, सभी को मताधिकार हो, एक वोट एक मूल्य हो, ठीक है। तीसरा हम कहेंगे विकल्प उपलब्ध हो, चौथा हम कहेंगे कि जो चुनाव है वह एक नियमित अंतराल पर होते रहे, और पांचवा इसमें हम कहेंगे कि लोगों की इच्छा अनुरूप हो, यानी ये सारी बातें जिस चुनावी व्यवस्था में मौजूद होंगी हम कहेंगे कि वह जो आधार है वह कैसा है, लोकतांत्रिक है, इस आधार पर हम कहेंगे। अब ये बताओ कि इसमें कौन कौन से ऐसे आधार हैं जो हम कह सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था में, उसी आधार पर तो आप प्रूफ करेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव है या नहीं। तो आप अगर इन विशेषताओं को बता दें और ये बता दें कि हाँ भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है बिकॉज ऑफ हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, हम बता दें कि सभी को मताधिकार है, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे गरीब अमीर हो, चाहे निम्न या उच्च वर्ग वर्ण किसी भी जाति का हो, हम ये भी कहेंगे कि एक वोट एक मूल्य है, यानी सभी का जो वोटिंग है वह समान, अगर एक हाथ उठाए तो वह एक ही काउंट होगा, है ना, ऐसा नहीं कि किसी मजबूत व्यक्ति का हाथ उठा, सन्नी देओल का हाथ है तो उसके 5 काउंट होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चे आपको याद रखना है कि इसमें एक वोट का एक मूल्य होना बहुत जरूरी होता है। फिर हमने बात की कि चुनाव का अगर विकल्प है तो यही होना चाहिए, बिना विकल्प के आप लोकतंत्र नहीं कहेंगे क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस थे ही नहीं। फिर हम कहेंगे नियमित अंतराल पर चुनाव जो है वो है होना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों की इच्छा अनुसार जो चुनाव है वह होना चाहिए। अब मुझे आप सब ये बताएंगे, मेरी क्लास के एकदम जो स्मार्ट बच्चे एकदम इंटेलिजेंट लोग क्लास देख रहे हैं, कि आप सभी को समझ में आया या एक बार और रिविजन कराऊं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में भेजो।
ओके, सो एकदम क्लियर है, अच्छी बात है। ठीक है, सो काफ़ी सारे बच्चों को समझ में आ गया, सभी को क्लियर है। एक बार और बता देती हूँ कि अगर आपको कहना है कि कहीं का जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक था, तो आपको कुछ उसमें बेस, कुछ आधार बताने होंगे, और हमने 5 आधारों पर चर्चा कर ली। ठीक है, आइए अब इसका हम थोड़ा सा रीडिंग कर लें। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के जो चुनाव हैं वह होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इस जांच, यह जांच के लिए हमारे पास कुछ पैमाने हैं। एंड पैमाने की अगर हम बात करें, हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। अध्याय एक में हमने काफी सारे जो चुनाव के उदाहरण है वह देखे थे। किस किस बच्चे को याद है वह चुनाव बताइए। काफी सारे जो उदाहरण है फ्रेंड्स वह हमने देखे थे। अच्छा, ये बताइए, लास्ट जब हमने बात की थी कि लोकतंत्र की एक विशेषता है चैप्टर 1 में कि जो प्रमुख फैसले हैं वह निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो, उसमें हमने बात की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, है ना, जो कि कहते सैनिक तख्ता पलट की ये अगुवाई करते हैं, बाद में ये चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और कुछ संशोधन के द्वारा खुद राष्ट्रपति जो है वह बन जाते हैं। ठीक है, खुद जो है वह राष्ट्रपति बन जाते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाकर एक जो संविधान है उसकी व्यवस्था को चेंज कर देते हैं। तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि चल तो चीजें तभी भी रही थी, है ना, लेकिन हम उसे लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बस वही बात है, सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी और न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत हम करते हैं। पहला है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी का जो मत का मोल है वह समान हो। ठीक है, यह है लोकतांत्रिक मानने का आधार जो हमने आपको हमने समझा किसमें, फ्लो चार्ट में। दूसरा है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए एक विकल्प पेश करें। हमने देखा था कि अगर चीन में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर जो शासक है, जो सत्ता दल है, आप केवल उसकी ही परमिशन से जो पार्टियां हैं वह केवल छोटी छोटी पार्टियों को ही आगे बढ़ने देता है। अगर उसे लगता है कि कोई बड़ी पार्टी है जो हमें रिप्लेस कर सकती है, वह उसको मौका नहीं देता, तो आप उसको लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे। यानी अगर आपके पास विकल्प मौजूद भी है तो क्या वह सही मायने में लोकतांत्रिक थे? बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट है कि तीसरा है कि चुनाव का अवसर आपको नियमित अंतराल पर मिलता रहे, कुछ वर्षों में जो चुनाव है वह जरूर कराया जाए। चौथा है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी व्यक्ति का हो, जैसे जब हमने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार भी थी, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो सेना तख्ता पलट की अगुवाई करते हैं, बाद में वह राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ने जो एक ऑर्डर है वह लाकर संविधान को बदल डालते हैं, तो उसे हम लोकतंत्र कतई नहीं कहेंगे। हालांकि पाकिस्तान भी कहता है कि वह लोकतांत्रिक देश है, बट वास्तव में वह है नहीं। पांचवा है कि जो चुनाव है वह कैसे हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो, जिसमें लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति को चुन सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि यह जो शर्तें आपको आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वह कैसी है। हाँ, इसमें जो एक मुद्दा मित्तुल ने उठाया है कि इसमें आपका जो शुरुआत का आधा क्वेश्चन ही काम का है, मैं केवल उसे ही लूंगी, क्योंकि आपने जो कंपैरिजन किया है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का लेवल बच्चे अलग है, रेलवे एग्जाम्स का लेवल अलग है, कोई और अगर आप अन्य एग्जाम्स देते हैं उनका लेवल अलग है, तो क्या फिर आप सेम कट ऑफ, क्या सेम बातें, पॉसिबल ही नहीं है वो तो, है ना।
बिना तुक वाली बात है वो तो। अब देखिए, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप सुन रहे होंगे वन नेशन को लेके, है ना। उसी में से एक मुद्दा जो सरगर्माया है वह क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। और इससे जब अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, समझ तो आपको बेसिक होनी ही चाहिए क्योंकि पीटी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफी। और अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन या फिर चुनाव सुधार जैसे मुद्दे, तो ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चुनाव सुधार, इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, है ना, चुनाव सुधार, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि आप लोकसभा और विधानसभाओं, लोकसभा प्लस विधानसभा, समझो इस चीज को, दो शब्द बस आपको याद रखने हैं। लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव है, सभी विधानसभाओं राज्य की, उनका एक साथ चुनाव कराना। अगर ये कहें कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना, लोकसभा विधान परिषदों के चुनाव एक साथ कराना, विधान परिषद विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराना, आप किसे कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी लोकसभा और विधानसभा इन दो बॉडीज के जो चुनाव है वह जब एक साथ होते हैं उसे हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। इससे हमारे काफी सारे जो संसाधन है, जो मानव संसाधन है, वह बच जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मुद्दा है कि फर्स्ट टाइम का कोई नया इंट्रोड्यूस हमारे पास कोई ये मॉडल आया। इसके पहले भी चुनाव 1961 के आसपास जो हैं और भी हो चुके 80 के दशक में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए, जरूरी तो नहीं कि सभी जगह की जो लोकसभा, सभी जगह की जो विधानसभा है, वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ही कर ले, लोकसभा भी भंग हो सकती है। तो फिर अगर इस तरह से बीच में मान लीजिए कहीं की भी विधानसभा भंग हो गई, तो फिर से तो आप वहां चुनाव कराएंगे ना, तो वो क्रम तो टूटेगा ना, सबके साथ वाला क्रम तो टूटेगा ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप एक साथ जो चुनाव नहीं करा सकते उसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अच्छा मुद्दा उठाया था इसलिए मैंने बीच में इसकी चर्चा कर ली, जो कि जुड़ा हुआ इसी चैप्टर से है। अब देखते हैं हम कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। अब यहां पर आ जाते हैं अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं, लोकतंत्र की एक बुराई की चर्चा करते हुए कि अगर एक योग्य व्यक्ति आगे नहीं आता शासन करने के लिए और अयोग्य व्यक्ति आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सबको भुगतना पड़ेगा उस चीज को, है ना। तो इसलिए अगर आप योग्य हो तो आपको शासन व्यवस्था में सोचना चाहिए। अगर अच्छे लोग आएंगे नहीं तो राजनीति साफ कैसे होगी। राजनीति साफ ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीति मतलब कीचड़ वाली बात होगी। राजनीति में लोग इस तरह के आ जाते हैं, उनकी नीतियां इस तरह की होती है, उनकी हथकंडे इस तरह के होते हैं। अब देखो इससे आपको समझ आएगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब एक राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले लेती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता। सबसे स्पष्ट रूप क्या है कि जो पार्टी वाली है, एक पार्टी दूसरे पार्टी की हमेशा बुराई करेगी, कहेगी कि इसने जब 5 साल इसके थे कुछ काम नहीं हुआ इस पार्टी में, हमने देखिए हमने 5 साल में इतना बढ़िया कर दिखाया। पहली वाली पार्टी कहेगी कि हमारे समय में देखिए ये ग्रोथ रेट थी, हमारे समय में ये था, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे समय में पेट्रोल इतने रुपए लीटर था और अब इतने रुपए लीटर है, यानी क्या करना। ये है राजनीतिक पार्टी की प्रतिद्वंदिता जो आप सभी देखते और सुनते रहते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच में प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाए। तो देखो कॉम्पिटिशन तो होना चाहिए, बात वो है कि जो कॉम्पिटिशन है वह थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में होता है राजनीति को लेकर, है ना। अब नेक्स्ट देखो, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखाई देते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं मान लीजिए, उसमें से 2 लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, 2 लोग कांग्रेस का समर्थन करते हैं, एक घर में ही 2 पार्टियां होंगी। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत लोग कर रहे हैं, ठीक है,
आपने कई इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे या फिर कुछ ऐसी बातें हैं वह सुनी होंगी, राजनीतिक पार्टियों में झड़प भी सुनी होगी, एक राजनीतिक पार्टी पर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हमला है वह भी सुना होगा, है ना। तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सी कोई बात है उसे लीक होते ही, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर आते देर थोड़ी लगती है। यही है, विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो हथकंडे हैं वह अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। देखो, इसमें जो ये चुनावी दौड़ होती है बच्चे, इससे क्या होता है, एक जो दीर्घकालिक राजनीति है वह नहीं पनप पाती। ठीक है, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते और इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना उनको अच्छा नहीं लगता। बस यही तो बात है, यही तो इसके आगे तो लिखना है आपको अरस्तु का कथन कि अगर अच्छे लोग इस चीज से दूर रहते हैं कि हम साफ पाक रहे हैं, तो बाकी इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना है। क्योंकि जब एक बुरा व्यक्ति बैठेगा तो वह अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो नीतियां जो पॉलिसीज है वह पॉलिसी मेकिंग करेगा उस हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, ना कि एक वेलफेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यही आपको बातें समझनी है यहाँ पर। तो ये बेसिक है बच्चे, अगर आप इसके इसके साथ एडवांस जोड़ दो तो फिर मजा ही आ जाएगा, यानी आपको मेंस वगैरह में आंसर लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए एक मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती, और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीजों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा होता नहीं। अच्छा ये बताओ, कोई भी आप सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हो तो अच्छी अच्छी बातें लाख कर लो कि मैं सिविल सर्विसेज में इसलिए जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ कि मुझे एक बड़ा कार्य क्षेत्र मिलेगा, मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। हो सकता है अपने ही घर में लोग ठीक से काम ना करते हों, ऐसे लोग ये बातें कह रहे हैं। वैसे ही बात होती है बच्चे कि जब हम राजनीति की अगर बात करें तो कोई ये नहीं कहता कि मैं भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ। आपको भले अपने सबसे ज्यादा भ्रष्ट राजनेता आपके सामने हो, लेकिन वह यही कहेगा कि मैं समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। बस यही बातें हैं कि जो नेता है वह सेवा की प्रेरणा बताते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं। ये दोनों बातें ही बहुत एक दूसरे से संबंधित नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो परिवारवाद की अगर हम बात कर ले कि जैसे राजा का बेटा राजा, बहुत कम लोग हैं कि निर्दलीय उठ पाए, चाहे आप बिहार यूपी काफ़ी सारी अगर ऐसी पॉलिटिक्स की बात कर लें तो आपने देखा हो कई कई सालों एक ही परिवार के लोग बने रहते हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं आता, कोई चेंजेस ही नहीं आता। तो सही मायने में लोकतंत्र अगर हम कहें ना, तो एक आदर्श लोकतंत्र तो इंडिया में भी नहीं है और कहीं है ही नहीं आदर्श लोकतंत्र। अपना करियर बनाने की चिंता होती, बस ये करियर है, सोचिए एक राजनेता बनना करियर है। आपने किसी बच्चे को नहीं सुना होगा कि मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, बच्चे मासूमियत में जरूर बोल देते कि मैं प्रधानमंत्री देश का बनना चाहता हूँ। हम 8वीं 10वीं कक्षा में निबंध लिखते हैं ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, इस तरह की बातें बच्चे, लेकिन असल जिंदगी में कोई बोलता नहीं। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने बात की थी कि सत्ता के दो नियम होते हैं, एक तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से राजनीति में घुस जाना, और दूसरा है कि अगर घुस गए तो अब बने रहना है, यानी अपनी 7 पुश्तों को, ठीक है, 7 पुश्तों को राजनीति में ही रखना, ये इनका घर का बिजनेस हो गया। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम ना हो कि वह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थिति से मेल ही ना बैठे। तो ऐसे में इन वास्तविकताओं का सामना हम कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका है कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाया जाए। दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक तरीका कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा जो नहीं कर रहे हैं उसे दंड मिले। तो राजनेताओं के लिए तो कोई नियम ही नहीं है,
भले आचार संहिता हो, भले चुनाव के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा उन पर लाख शिकंजा कसा जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाख शिकंजा जो है वह कसा जाए, लेकिन वही बात होती है लास्ट में कि चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को सपोर्ट जरूर कर देता है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि एक तरीका ये हो सकता है, इन सभी वास्तविकताओं को अगर हम धरातल पर चाहते कि लोकतंत्र अच्छे से चले, चुनाव व्यवस्था पाक साफ हो, तो उसमें हम ये कहते हैं कि राजनेताओं की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, बीच में इस तरह की चीजें आई हुई थी कि आपको मैंडेटरी है कि आप 10वीं है, 12वीं है, 5वीं है या पहली फेल है, आपको बाकी सभी चीजों के लिए डिग्रियां चाहिए, लेकिन अगर आपको देश का प्रधानमंत्री भी बनना है या फिर आपको कोई एमएलए मिनिस्टर भी बनता तो आप फेल भी हो, आपको साइन करने लाखना, आपने बहुत अनपढ़ राजनेता दिखे होंगे, है ना। तो इस तरह की बच्चे बातें हैं। हाँ, कुछ लोग अच्छे होंगे, मुश्किल से 1 या 2%, जो जितना मेरा भी अपना पर्सनल यही मानना है, बाकी 98% तो मुझे भी सारे राजनीति ऐसे ही लगते हैं राजनीतिक। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वालों को पुरस्कार, ना करने वालों को दंड मिले। और इसकी जो व्यवस्था है यानी पुरस्कार और दंड कौन देगा, तो सीधा सा जवाब है लोग ऐसा करेंगे, चूंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप अगर हिंदू मुस्लिम दंगे या फिर इसमें कोई राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है या फिर कोई और मुद्दा आप सुनते हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि चुनाव में एक जन समूह को अपनी ओर करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई एक जो नगर है या फिर जहां पर आपने देखा कि मुस्लिम बहुल है, तो किसी ने मुस्लिमों के लिए ज्यादा रियायतें दे दी, या फिर कोई ऐसा मुद्दा उठा कि मुस्लिमों ने कोई मुद्दा उठाया तो मान लीजिए हमने उसका पक्ष कर दिया, उस पर हमने ट्वीट कर दिया, तो वो समर्थक आपके हो गए। तो इस तरह से क्या किया जाता है, वोट वाली राजनीति से कहा जाता है कि संभवतः लोकतंत्र में अगर आपको लोकप्रियता बढ़ानी है तो आप ऐसे मुद्दों को सपोर्ट करेंगे, भले वह गलत मुद्दा हो। आपने सपोर्ट किया क्यों, क्योंकि आपको वो वोट चाहिए थे, है ना। अब देखो अगले चुनाव में उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी जो उन मुद्दों को उठाएगा जो वहां के लोग चाहते हैं। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव वे नहीं जीत सकते हैं। अगला है, यदि इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगली बार फिर से आना है राजनीति में तो फिर आपको क्या करना होगा, मजबूरन, आपका बिल्कुल मन नहीं है कि योजनाओं के लिए पैसा दें, पूरा मन लग रहा है कि बस जितना पैसा आया हम अपने घर में रख लें, है ना, कहाँ पर छतों में लगा लें या फिर जमीन में फर्श में बिछा लें, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आपने क्या, मजबूरन ही जनता की जो सेवा है वह आपको इसलिए करनी पड़ती कि नेक्स्ट टाइम भी लोग आपके हों, आपको वोट करें और आप फिर से आ गया है। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है, भले ही दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो लेकिन मजबूरन उसे ग्राहक को भी अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान को देखेगा, बस वही राजनीति की बात है, ठीक है। अब देखो, अब है अगला मुद्दा कि चुनाव की हमारी प्रणाली जो है वह क्या है। अभी तक तो हमने चुनाव को समझा कि चुनाव क्यों जरूरी है ना, लोकतांत्रिक चुनाव के आधार क्या हो। अब हम देखेंगे और हमने ये भी देख लिया इसमें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता क्या है। अब अगला है हमारा दूसरा कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या हो। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताइए चुनाव की हमारी प्रणाली क्या हो। बस हमने बात कर लिया चुनाव क्यों, ठीक है, चुनाव की जरूरत क्या है, लोकतांत्रिक मानने के क्या अधिकार हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। अब हम अगले पर आएंगे कि चुनाव की प्रणाली जो है वह क्या है, ठीक है। और इसमें हमें कुछ 5-6 बातों को समझना है कि सबसे फर्स्ट अगर आपने चुनाव कराना है तो आपको चुनाव क्षेत्र में चीजों को बांटना होगा, क्षेत्रों को बांटना होगा, फिर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, फिर मतदाता सूची, फिर उम्मीदवारों का नामांकन, फिर चुनाव और फिर मतदाता की गणना। तो ये होगी आपकी चुनाव प्रणाली। क्लियर, चुनाव की प्रणाली क्या है उसे समझेंगे और लास्ट हम इसमें देखेंगे कि भारत में चुनाव की जो चुनाव है लोकतांत्रिक क्यों है। क्लियर,
साथ ही साथ आप सभी को मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए चुनाव सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जो विश्लेषण है वह कीजिए। हाँ, और आप सभी बच्चों के लिए एक और सूचना, आप सभी को चूंकि राजनीतिक जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की बात कर लें, यूएन की जो बॉडीज है उनकी बात कर लें, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, तो इस सभी पर मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है बच्चे जल्दी से लाने वाली हूँ। क्वेश्चंस भी होंगे एंड वो कॉन्सेप्ट भी होंगे, ठीक है। आप सभी की जो कल टेलीग्राम पर चर्चा है वह मुझ तक पहुँच गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछ लूं। भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं और सिद्धांत, एक तरफ सिद्धांत है दूसरी तरफ चुनाव प्रणाली की विशेषता है कि अगर ये सिद्धांत है तो कौन सी चुनाव प्रणाली होगी। अगर हम बात करें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वह चुनाव लड़ सकता है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, कैसे मिलता है कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व? क्यों उनके लिए स्पष्ट आप सीटों का आरक्षण कर दे, तो जैसे लोकसभा राज्यसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकसभा की, तो उसमें SC ST के लिए अलग से जो सीट आवंटन है वह दिया गया। तीसरा हम इसमें कहेंगे कि खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, और चौथा एक मत एक मूल्य, ठीक है। तो अब ऐसी बात है, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अर्थ सभी को पार्टी बनाने का अधिकार, और जब हम चौथा देखेंगे कि एक मत एक मूल्य, एक मत एक मूल्य मतलब हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर जो मतदाता है वह होने चाहिए, तो ये इसका क्या हुआ, सही जोड़ा बना। आया समझ? नहीं आया, एक बार पढ़ लो इसे। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चुनाव के लोकतांत्रिक मानने की न्यूनतम शर्तों में कौन शामिल नहीं है? आपके सामने पांच ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी मताधिकार हो, सभी मतों का समान मोल हो, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, नियमित अंतराल पर चुनाव का अवसर मिले, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का हो। अब आपको इस पे ये बताना है कि लोकतंत्र को, अगर लोकतांत्रिक अगर आपको चुनाव मानना है तो कौन सा एक विकल्प जो है वह इसमें शामिल नहीं है और बाकी शामिल है। ओके, सो आई थिंक काफी सारे बच्चे जिन्हें सही आंसर पता होगा। ओके, सो सभी को लगता है सभी जो है वह शामिल होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो न्यूनतम शर्तों में कौन से शामिल नहीं है, नहीं पूछा है, शामिल होता तब तो होता उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है, एक और विकल्प बना देती हूँ। सभी शामिल है ना, और यही इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट है, कथन है और कारण है। आपको बताना है कि दोनों में कौन सी जो ऑप्शन ऑप्शन है वह इसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जरा। कथन है कि पार्टी पॉलिटिक्स में नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो हथकंडे हैं वह अपनाते हैं, और
चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। कारण है, अच्छे लोग इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते और इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो अब आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर है। वेरी गुड, तो आप सभी को बिल्कुल सही लगता है कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कि कथन और कारण दोनों सही है, और यह इसकी सही व्याख्या भी है बच्चे, ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड, है ना, दोनों ही चीजें मैंने आपको बताया था कि अच्छे लोग नहीं उतरते, और वही अरस्तु का जो कथन है कि लोकतंत्र की वह आलोचना करते हैं यह कहकर कि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आते तो क्या प्रॉब्लम है। और वही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कैसे आखिर राजनीति में हमें चुनाव प्रक्रिया या फिर लोग जो प्रणाली है वह हमें कैसे चेंज करनी चाहिए कि जो युवा हैं, जो अच्छे लोग हैं, वह भी आकर्षित हो, ना केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आकर्षित हों। क्या करना चाहिए ऐसा, क्योंकि धन बल की अगर हम बात करें, चाहे टैक्स का पैसा हो या फिर योजनाओं का पैसा हो, सारा कुछ आपके ही हाथ में रहता है, तो हर व्यक्ति राजनेता बनना चाहे ऐसे तो। चलिए नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए, चुनाव प्रणाली से क्वेश्चन है ये। तीन आपके सामने पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है कि भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। दूसरा है, चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन में या एक या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं और इन्हें आम चुनाव कहा जाता है। और कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाए, उसे उपचुनाव कहा जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चे, वह यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है कि जो उपचुनाव है या आम चुनाव है वह क्या है इस संबंध में, बताइए क्या आंसर होगा। ओके, सो सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, एंड आप सभी को बिल्कुल सही लगता है। देखो, उपचुनाव की अगर हम बात करें तो कब होता है, मान लीजिए कोई एक सीट खाली हो गई, ठीक है, कोई एक सीट खाली हो गई या फिर किसी सदस्य ने क्या किया, या तो मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, तो कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे मृत्यु हो या फिर इस्तीफा हो या कोई अन्य कारण हो, तो तब जो है वह क्या होते हैं बच्चे, उपचुनाव होते हैं। और जब हम आम चुनाव की बात करें कि जब चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन में या फिर छोटे अंतराल में अलग अलग दिन जब चुनाव होते हैं, उसे हम आम चुनाव कहते हैं। और जब हम विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं तो हर 5 साल बाद इसके जो चुनाव है वह होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, आप अगर चुनावी राजनीति का पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो जो ये क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, अपने आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने लोकतंत्र बहुत अच्छे से पढ़ा है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, निम्न पर विचार करें। कक्षा 6 में था ये, क्लास 6 में हमने पूछा था ना, इसे पढ़ा था हमने। तो 3 सेंटेंस है बच्चे। पहला है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकतंत्र चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर हो। निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, यानी कई कई निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वह आते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। ऑब्वियसली बात है कि जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा वह थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, उसमें कई कई निर्वाचन क्षेत्र भी आएंगे। सो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी जो आप सभी को लगता है वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब कथन और कारण है। कथन कहा जाता है, कथन में फ्रेंड्स कहा गया है कि संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले जो चुनावी मुकाबले होंगे तो कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए।
संभव है, क्योंकि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन शिक्षा और संपर्क उनके पास नहीं है, और ना ही संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से और उन्हें रोका भी जा सकता है, ये कहा गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स कारण की, और कारण में हम देखेंगे कि संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। क्या इसमें सही होगा, कौन सा जो आंसर है, ऑप्शन ए बी सी और डी। क्या कथन और कारण सही है और सही व्याख्या है, क्या कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, एक गलत है दूसरा सही है। ठीक है, बताइए जल्दी से। ओके, सो इसमें जो आप सभी का बहुमत है ऑप्शन नंबर ए जा रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। तो कथन और कारण जो है वह इसमें दोनों ही सही हैं। देखो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है, आज भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि आप सभी ने जो मूवीज है वह देखी ना हो, कि गरीब व्यक्ति कभी भी सत्ता पे नहीं पहुंच सकता। उसके पीछे कारण होता है कि या तो उसके पास संसाधन नहीं है जरूरी जीतने के लिए, या फिर जो प्रभावशाली लोग हैं वह कई बार यह भी कह देते हैं कि टिकट वापस ले लो। ठीक है, और दूसरी बात है कि खुले चुनावी मुकाबले में संभव है कि ना वह लोकसभा पहुंच पाएगा ना वह विधानसभा पहुंच पाएगा, क्योंकि जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है, वह उसे डेफिनेटली रोकने की कोशिश करेगा। और बस संविधान निर्माताओं ने इस चीज को पहचान लिया था, बहुत समझदार थे वे, और इसी की वजह से वे कमजोर वर्गों के लिए, क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति बहुत पीछे से शुरुआत कर रहा है, एक व्यक्ति आधे ही, अगर आपके गोल चक्कर घूमना है एक व्यक्ति शुरुआत से खड़ा और एक बीच में खड़ा है तो डेफिनेटली बीच वाला जीत जाएगा। आपके पास कम समय में आप आराम से भी दौड़ोगे तब भी पहुंच जाओगे। तो वही बात है कि ऐसा वर्ग जिसके पास ना तो संसाधन है ना ही शिक्षा है और लोग उसे पीछे भी करेंगे तो कैसे वह आगे जा सकता है। तो हम आरक्षित निर्वाचन कर दें कि ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से इस बार इसकी सीट है। आपने तो सुना होगा ना कि इस बार पंचायत में जो अध्यक्ष पद की सीट है वह इस बार एसटी से आई, इस बार ओबीसी से आई, इस बार एससी से आई, या इस बार सामान्य वर्ग से थी, सुना है ना आप सभी ने, ये यही है बच्चे। चलिए अब एक और क्वेश्चन, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी बच्चे इस तरह का जो क्वेश्चन है वह पूछ चुका है, बताइए पढ़िए जरा इसे। हाँ भाई सिया, इसी बात को याद रखते हुए कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वह जनरल में भी 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को शामिल है ना। देखो जरूरी नहीं कि अगर हम वर्ग की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर जो वर्ग है वह गरीब ही हो, लेकिन जब हम इस बात को करते हैं कि अधिकांशतः है उस वर्ग के लोग, अधिकांशतः है ना, अधिकांशतः की बच्चे जब बात होती है तब डेफिनेटली आपको जो अंतर है वह मिल जाता है। ओके, सो आइए मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखो यूपीएससी ने पूछा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति, बिल्कुल सही। अगर एसटी की सीट आई है तो एसटी ही चुनाव लड़ेगा, और अगर जनरल की सीट है अनारक्षित सीट है तो सभी चुनाव लड़ ही सकते हैं, इसमें क्या लिखा नहीं। तो तीसरा जो है वह गलत होगा, काफ़ी बच्चों ने इस नहीं को नहीं पढ़ा होगा है ना, तो तीसरा जो है गलत है, पहला और दूसरा जो है बच्चे वह बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका जो आंसर है, मैंने सही पूछा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक और दो जो है वह सही है बाकी गलत है। अब अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को घोषणा पत्र भरते समय किन मामलों के जो विवरण है वह देना आवश्यक नहीं होता है, किन मामलों के विवरण देना आवश्यक नहीं होता। उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों और संपत्ति का ब्यौरा,
और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। कितने बच्चे मेंस का आंसर लिखने वाले हैं बताइए जरा। क्या गलत है क्या सही है, अभी फिलहाल जो सरकार के नियम है उस पर हम बहस नहीं करें। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप सिर्फ जानो कि वर्तमान व्यवस्थाएं क्या है, जब कभी सेलेक्ट हो जाओ तो चीजों को चेंज भी कर लेना। अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ यहाँ पे। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को घोषणा पत्र भरते समय जब चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया कि जिसे फॉर्म आप कोई फिल करें, आपका मन नहीं है तो आप कोई डिटेल उसमें नहीं भरते हो, ऐसा ही सेम सभी के साथ होता है। तो जो उम्मीदवार आते थे ना, जो कैंडिडेट आते थे, वह भी ऐसे ही थे, मन नहीं आता था तो उन्हें कभी संपत्ति वाला तो भरते ही नहीं थे ना। आपने उन्हें ये बता रहा है कि कितनी पत्नी है, कितना परिवार है, कितने बच्चे हैं, ये सारे कहाँ फॉर्म हाउस है, कहाँ सारी चीज़ें नहीं बताते ही थे, ठीक है। तो फिर उन पर मैंडेटरी किया गया था कि अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स के द्वारा कहा गया कि नहीं, ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसमें ये जवाब जो है वह वर्तमान में लागू है कि ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर आप आरटीआई लगा के ये मांगोगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है तो वह नहीं माना, या फिर अगर इसकी जो सूचना है वह सार्वजनिक की जाएगी तो आपसे पूछ कर की जाएगी। अगर सार्वजनिक की जाएगी ना तो ये पूछ कर की जाएगी अगर आपकी निष्ठा है। तो ये प्रोविजन किया गया, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। शैक्षणिक योग्यता क्या है ये भी कॉलम है, सबको पता चलना चाहिए कि हम जिसे वोट कर रहे हैं वह पांचवी पास है या फिर वह पंद्रहवीं पास है। और वही उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहा है, अगर गंभीर आपराधिक मामले हैं, गंभीर है, तो फिर आपको जरूर उसकी जो सूचना है वह उसमें लिखनी होगी इस तरह से, क्या आवश्यक है। मैंने पूछा क्या आवश्यक नहीं होता, सभी आवश्यक होता, ऑप्शन नंबर डी। और दसवां जो है वह हो चुका था। सो और लास्ट मैंने आप सभी को एक मेंस का क्वेश्चन पूछा है बच्चे, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को लिखेंगे और आपका जो इसमें कुछ पैराग्राफ्स रह गए हैं पढ़ने के लिए, समझ तो लगभग आपने सारा लिया है, जो पढ़ने के लिए रह गया है उसे हम कल क्लास शुरू होने से पहले कर लेंगे आधा घंटे में, और उसके बाद कल हम बात करेंगे किसकी, एक मिनट मैं थोड़ा चैप्टर नेम देख लूं। कल हम बात करेंगे संस्थाओं के कामकाज की, ठीक है। परसों आपका होगा लोकतांत्रिक अधिकार, जो आपका ये पोर्शन बच रहा है कल सुबह 11 बजे, कल से आपकी जो क्लास है बच्चे वह 11 बजे ही होगी, ठीक है। चलिए, सो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लास को ऑफ करते हैं। कल मिलते हैं 11 बजे, सो जब तक पढ़ते रहिए बच्चे, जुड़े रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि अपकमिंग वीडियोस आप सभी को मिलते रहे। और जो भी बच्चे इस रिटर्न का पीडीएफ चाहते हैं तो वह सभी बच्चे जो पीडीएफ के लिए एनसीईआरटी विद मंजू मैम जो ग्रुप है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल लिंक है उससे आप जुड़ सकते हैं। सभी वीडियोस का पीडीएफ मैं उस पर अवेलेबल नेक्स्ट डे या फिर सेम डे ही करा देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए बच्चे, पढ़ते रहिए एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।